मैं पिज्जा का दीवाना हूँ और मुझ जैसे दीवानों की कोई कमी नहीं है। अमेरिकन्स हर सेकंड में पिज्जा के 350 से भी ज्यादा स्लाइसेस खाते हैं। ये इतना पिज्जा है कि एक साल में आप अमेरिका के मैनहट्टन स्क्वायर को इससे कवर कर सकते हैं, वो भी दो बार। कभी सोचा है पेपरोनी में तीखापन कैसे आया? जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और मशरूम्स, ओह आई लव मशरूम्स। और क्या आप जानते हैं कि पेड़ पर ऑलिव्स हरे रंग के होते हैं, तो वो काले कैसे पड़ जाते हैं? और सबसे खास बात कि इसका क्रस्ट आखिर बनता कैसे है? आपको और एक बात बताऊं, इस डो में भी आपकी और हमारी तरह जान होती है। जानता हूं आप पिज्जा डो के बारे में ये नहीं जानते थे। टेस्टी पिज्जा बनाने के लिए नीचे से ऊपर की ओर आते हैं। हमें सिर्फ ऐसा क्रस्ट नहीं चाहिए जो इंग्रेडिएंट्स को संभाले, बल्कि ऐसा क्रस्ट चाहिए जो टेस्टी भी हो। मैं इस वक्त सदर्न कैलिफोर्निया की डोमिनोज पिज्जा की सप्लाई चेन में हूँ और मैं इतने मैदे पर खड़ा हूँ जिससे 350,000 पिज्जा बनाए जा सकते हैं। पूरे अमेरिका में डोमिनोज की हर आउटलेट में यहीं से डो सप्लाई होता है, जिसे वर्कर्स करीब 40 करोड़ पिज्जा क्रस्ट का शेप देते हैं, वो भी हर साल। ये हॉपर किस लिए है? मैदा देने के लिए। हाँ, इसी हॉपर से हमें मैदा मिलने वाला है। लेकिन सिर्फ मैदा नहीं है, इसमें पानी, फैट, नमक, चीनी और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। ओके, बढ़िया है। और यीस्ट भी। ओह, यीस्ट भी। अच्छा, ये बताइए कि डो में यीस्ट की क्या अहमियत है? मैं आपको समझाता हूँ इसकी क्या अहमियत है। डो में जो चीनी डाली जाती है, यीस्ट उसका असर खत्म कर देती है। ये असर खत्म होने के बाद इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही डो फूलता है, तभी तो ये नर्म और फ्लफी नजर आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैदे में इस तरह से यीस्ट मिलाने के बाद मैदे में जान आ जाती है और इसमें इसी तरह जान बनी रहे उसके लिए इसकी अच्छी देखभाल करनी होती है, तभी तो वो बन पाएगा जो बनाना चाहते हैं। 5 मिनट तक इस मेगा मिक्सर में घूमने के बाद ये तैयार है। यही है वो बेस जिससे पिज्जा बनाया जा सकता है। इसी को कहते हैं पिज्जा डो। चाहो तो छू के देख लो। ओके। लगता है थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। ओह, अब इस डो से अलग अलग गोले बनाने होंगे जिससे बनेगा पिज्जा क्रस्ट। ये चला। सबसे पहले डो को ऊपर ले जाते हैं। ये इतना धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मेरा मन कर रहा है बैकग्राउंड में कोई स्लो सा सैड सा म्यूजिक प्ले कर दूं। और इसके बाद बारी होगी पेपरोनी, टमेटो सॉस, बेसिल और चीज की। ये इसी तरह धीरे धीरे 12 फुट तक ऊपर जाएगा और फिर पलटेगा। डिवाइडर के ऊपर बने हॉपर में करीब 220 किलो डो पूरी तरह पलट देगा। पिज्जा क्रस्ट बनाने की एक और सीढ़ी क्रॉस कर ली। ये डिवाइडर 1 मिनट में इस डो से 80 गोले बना सकता है, यानी उतने जितने मैं जगलिंग करते हुए गिराता हूँ। गोले कटने के बाद सिलेंड्रिकल पिरामिड से होकर गुजर रहे हैं, वैसे ये है क्या? ये राउंडर है, यानी कि गोलों को और गोल करने का पहला स्टेज। गोल बनाने की जरूरत क्या है? जरूरत है भाई, क्योंकि आखिर में पिज्जा भी तो गोल होता है, जाहिर सी बात है। तो अगर आपको गोल पिज्जा खाना है तो आपका शुरुआती प्रोडक्ट भी गोली होना चाहिए ना। यानी ये सिर्फ इसलिए है कि गोले और गोल बने, है ना? बिल्कुल सही कहा, गोले जितने गोल बने उतना ही अच्छा है। यहाँ एक मेटल डिटेक्टर भी है, अब इसका यहाँ क्या काम है? ये सिर्फ एक फाइनल चेक के लिए है, ताकि इस बात की तसल्ली हो जाए कि कोई पुर्जा खराब होकर टूट कर इस डो में न चला गया। इस जार पर लिखा है मेटल डिटेक्टर स्टिक्स। वही तो है ये। हर एक स्टिक में इस तरह से एक मेटल